ये इमेजिन करते हैं कि एक लॉन्ग शीट है, थिन शीट है, पतली शीट है और बहुत ही लंबी शीट है। हॉरिजॉन्टली ये एक शीट इमेजिन करो, ये एक शीट है और ये बहुत लॉन्ग है इस तरीके से, सच दैट इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, लेट अस सपोज। तो आपने ना इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है कि एक ही बार देख लो करंट कैसे आ रहा है। ये एक शीट है और ये बहुत लंबी शीट है, मींस हॉरिजॉन्टल की तरफ बहुत लंबी है। इसके अंदर करंट कैसे है, मान लो इस तरीके से जा रहा है, मतलब इसके अंदर अंदर करंट ट्रेवल कर रहा है, अंदर ही अंदर शीट के, ठीक। तो अगर मैं बोलता हूँ करंट इस तरीके से यहां से एंटर कर रहा है, तो शीट के अंदर अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से इमेजिन करो डॉट 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 डॉट, तो डॉट का मतलब यहां पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, करंट। तो ये शीट में करंट ये डॉट 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 बाहर की तरफ है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनाओ, ये शीट है, हॉरिजॉन्टल शीट है, क्लियर है यहां तक। तो ये हॉरिजॉन्टल शीट है, अब ये है तो बहुत बड़ी पर मुझे दिखाना तो पड़ेगा ये अंदर से खोल के कि ये करंट ऐसे आ रहा है, पर अदरवाइज ये ऐसे चलती जा रही है। तो इस शीट के ऊपर या इस शीट के नीचे कहीं पर भी मुझे इस एक्सप्रेशन में बी निकाल के दिखाना है, बी की क्या होगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सपोज करो ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर बी निकालो, इस शीट के नीचे बी निकालो, ये क्वेश्चन है। तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस नहीं दिया आपने, कि कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर बी निकाल ले और कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे बी निकाल ले। हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, बी की वैल्यू चाहे इसके नजदीक निकालो, चाहे दूर निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, बी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ये ठीक वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की एप्लीकेशन थी, लास्ट एप्लीकेशन, तो उसके लेफ्ट और राइट पे भी ई का फॉर्मूला यूनिफॉर्म आता था, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एंड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस की जहां पर हम बी निकाल रहे हैं, आप नजदीक निकालो आप दूर निकालो, बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसमें भी सेम है, तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, बी की वैल्यू इसमें कॉन्स्टेंट आएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बी की डायरेक्शन देख लें। सपोज करो मेरे को बी की डायरेक्शन यहां पे ढूंढनी है, यहां पे ढूंढनी है, यहां पे ढूंढनी है, यहां पे ढूंढनी है, या फिर मुझे यहां पे ढूंढनी है कहीं पर। मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे ले लिए, कुछ पॉइंट्स ऊपर, तो अलग अलग पॉइंट्स पे देखना चाहता हूं कि बी की डायरेक्शन कैसे है। तो बी की डायरेक्शन ध्यान से देख लो, करंट इसमें कैसे आ रहा है बाहर, और स्ट्रेट वायर्स की तरह इमेजिन करो कि ये करंट स्ट्रेट आ रहा है, तो थंब करंट के साथ इमेजिन करो मैं बी यहां पे निकालना चाहता हूं, तो करंट थंब एक डायरेक्शन में, चार फिंगर को ऐसे घुमाएंगे, तो ये मेरी फिंगर्स हैं, ये देखो ये फिंगर्स हैं, तो ये थंब फिंगर्स ऐसे घूम गई, तो उस केस में फिंगर्स क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट, तो जब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बी वेक्टर इस तरफ आएगा। जैसे सपोज करो थंब अभी भी यहीं पर है, इस बार बी मैं यहां निकालना चाहता हूं, तो मैं अपने फिंगर्स ऐसे क्रॉस करूंगा, तो मेरी फिंगर्स यहां से राउंड लेफ्ट की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, ड्रॉ अ टेंजेंट, बी वेक्टर इस तरफ आएगा। सपोज करो मैं यहां देखना चाहता हूं, करंट बाहर की तरफ है, फिंगर्स घुमाओ इस तरीके से, तो इस तरफ फिंगर्स आ रही हैं, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, बी वेक्टर यहां आएगा। फिर देखो फिंगर थंब यहीं पर है करंट, और यहां निकालना है तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में जाएंगी, ड्रॉ अ टेंजेंट, बी वेक्टर। तो यानी कि अगर आप कोई भी पॉइंट इस शीट के ऊपर लेते हो, हर हालत में बी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट, ये रूल क्लियर है। उसी तरीके से मान लो अब मैं बी यहां निकालना चाहता हूं, तो थंब करंट के साथ है बाहर, तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगे, इस बार मेरी तरफ घूमेंगे, पहले ऐसे घूम रही थी अब ऐसे घूमेंगी, तो फिंगर्स मेरी तरफ घूम रही हैं कुछ इस तरीके से, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, तो बी वेक्टर यहां पे मिलेगा आपको। करंट अभी भी ऐसे है, यहां पे ढूंढनी है, तो ये फिंगर्स मेरी तरफ आएंगी फिर से एक बार ऐसे, ड्रॉ अ टेंजेंट, बी इस तरफ, ऐसी फिंगर्स मेरी तरफ आएंगी यहां पे, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट। तो अल्टीमेटली अगर ये शीट के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो बी लेफ्ट की तरफ, और अगर इस शीट के नीचे कोई पॉइंट है तो बी राइट की तरफ, कोई डाउट इसमें? तो बी की डायरेक्शंस क्लियर है, ठीक। तो ऐसे केस में अगर आपको बी निकालना है, जहां पे आपको बी निकालना है वहां पर ड्रॉ किया जाए एक क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करते हैं, मान लो मुझे बी कहां निकालना है, मुझे यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है, जहां मर्जी निकाल दो, यहां यहां। तो मैंने क्लोज पाथ ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। कोई कहता है क्लोज पाथ की शेप रेक्टेंगल क्यों ली,
कोई भी ले लो, हाँ तो कोई भी ले लो, लेकिन वैसी लेना जिसकी लेंथ आपको मालूम है। ऐसा ना हो आप टेढ़ी मेढ़ी ले तो लो, फिर मैं आपसे पूछूं इसका पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस या आपको मुझे पता नहीं। तो सर्कल लो, कुछ भी लो, लेकिन सबसे आसान फिगर इसमें रेक्टेंगल है। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज पाथ ले लिया, कुछ पॉइंट्स नीचे से पास करता हुआ, कुछ ऊपर से, ताकि मुझे बी ऊपर भी निकालना है नीचे भी निकालना है। तो मैंने कोई भी क्लोज पाथ ऊपर नीचे के पॉइंट्स में से पास करता हुआ रेक्टेंगल ले लिया। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? तो क्लोज पाथ ले लिया यहां पर। तो आप नोट करो, अभी डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट ऊपर लाई करेगा तो बी वेक्टर लेफ्ट 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 लेफ्ट, और अगर नीचे लाई करेगा तो राइट। यहां भी ड्रॉ कर लो राइट राइट राइट, कई जगह ड्रॉ कर लो राइट राइट एंड राइट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर राइट एंड राइट ड्रॉ कर लो, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है यहां तक? तो बुकलेट का पेज नंबर कौन सा है ये वैसे? 91। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये डायरेक्शंस हो गई। अब एक काम करते हैं, बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालते हैं। बी डॉट डीएल की वैल्यू क्लोज पाथ में देखो कैसे। बी डॉट डीएल की वैल्यू ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी तक। तो बी डॉट डीएल सबसे पहले किसका? ए से लेके बी तक। बी डॉट डीएल बी से लेके सी तक। बी डॉट डीएल सी से लेके डी तक। और बी डॉट डीएल डी से लेके ए तक। तो चार बार ये इंटीग्रेशन की, कोई डाउट इसमें? बी डॉट डीएल की वैल्यू आ गई ए बी सी डी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब यहां से शुरू करते हैं बी डॉट डीएल में। और सपोज करो इसकी जो विड्थ ली मैंने कितनी ली? एच। हालांकि मैं एंड में प्रूव कर दूंगा कि ये एच मैटर नहीं करेगा, और ये एलिमिनेट कर दूंगा मैं थोड़ी देर में कि बी के फॉर्मूले में एच मैटर नहीं करेगा, पर अभी के लिए जस्ट इमेजिन करो ये डिस्टेंस एच है। तो बी वेक्टर राइट है, और जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है। तो बी और डीएल में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो इसकी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ए से बी में बी डीएल कॉस जीरो। इसमें क्या बनेगा? क्योंकि डीएल ऊपर जा रहा है, बी वेक्टर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, तो या तो बी वेक्टर लेफ्ट है या फिर बी वेक्टर राइट है। तो डीएल, तो डीएल के साथ एंगल क्या बनेगा हर हालत में? 90। तो बी डॉट डीएल में बी डीएल कॉस 90 क्या देगा? जीरो। तो डीएल और बी वेक्टर में एंगल 90, तो इसका जीरो, ऐसी इसका भी क्या आएगा? जीरो। तो दोनों में, इसमें भी डीएल और बी वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, तो ये तो बी डॉट डीएल जीरो देगा। इसके लिए देखें बी वेक्टर कहां पर है? लेफ्ट। डीएल भी कहां जाएगा? लेफ्ट। बी और डीएल में एंगल जीरो, बी डीएल कॉस जीरो, तो बी डीएल कॉस जीरो। तो दो का तो जीरो कर दिया और बाकी दो में एंगल जीरो। अब डीएल 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 इंटीग्रेट करके यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? एच। ऐसी यहां से क्या आएगा? एच। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ए से लेके बी तक क्या आएगा? एच। और सी से लेके डी तक भी क्या आएगा? एच। तो टोटल मिला के क्या आएगा? टू पी एच। तो पूरे पाथ का बी डॉट डीएल क्या आएगा? टू टाइम्स पी एच। एम्पियर सर्किट लॉ हमें यह कहता है, अगर आप पूरे क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल निकालना चाहते हो तो आप इसमें क्या करो? म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या लेना है? इस पूरे पाथ का बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स, कितना करंट इस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है। तो कितना करंट जा रहा है मान लो आई। वैसे शीट में बहुत ज्यादा करंट है, इमेजिन करो शीट में यहां से करंट ही करंट है, पर हमने कौन सा करंट लेना है जो क्लोज पाथ के इनसाइड है, और हमने इमेजिन कर लिया कि आई करंट है जो क्लोज पाथ के इनसाइड है, बस यहां से लेके यहां तक। तो आई करंट है, तो लिख लेना हेयर आई करंट इज इनसाइड द क्लोज पाथ। बस ये लिख लो, नोट लिख लो, हेयर आई इज द करंट इनसाइड द क्लोज पाथ। भूलना जाना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं यहां पर टोटल करंट आई लिया हमने शीट का, ये शीट का टोटल करंट नहीं है। ये क्या करंट है? ये एच पोर्शन का करंट है, ठीक, जो सिर्फ एच पोर्शन के अंदर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है यहां तक? तो आई करंट आ गया। एक काम करते हैं, इसे और इसे इक्वेट कर लें। इक्वेट करके बी की वैल्यू आ गई, बी का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एच। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर बी का फॉर्मूला जो आया उसमें एच आ गया, यानी कि बी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड पाथ। आपने क्लोज्ड पाथ की लेंथ क्या ली? एच। एच पे डिपेंडेंट है, जबकि कल को मैं क्लोज पाथ बड़ा ले लूंगा तो मतलब बी मेरा बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, छोटा लूंगा तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच? पर होना तो नहीं चाहिए था ना, क्लोज पाथ तो अब हर कोई अपनी अपनी मर्जी से लेगा,
कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, क्यों? क्योंकि और कोई आंसर, क्योंकि आई बाय एच है, क्योंकि अगर एच छोटा होगा तो उसके अंदर से करंट भी कम निकलेगा, और अगर एच बड़ा कर देंगे तो उसमें से क्लोज पाथ में करंट भी बढ़ जाएगा, तो यानी कि आई बाय एच की रेशियो रिमेंस सेम। आप एच को डबल कर दोगे, लंबा कर दोगे, तो करंट भी डबल लेना पड़ेगा, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए आई बाय एच की रेशियो रिमेंस सेम। तो इसलिए बी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एच चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए कई बुक्स क्या करती हैं, इस आई बाय एच की रेशियो को नाम देती हैं लीनियर करंट डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर करंट डेंसिटी। हमने हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक किया था करंट डेंसिटी, हमने करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, जे से, और जे का मतलब क्या था, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। इसने क्या बोला, करंट डिवाइडेड बाय लेंथ, तो नाम भी चेंज किया उसने, इसको करंट डेंसिटी नहीं बोला, इसका नाम क्या दिया, लीनियर करंट डेंसिटी। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जे का मतलब क्या समझो, न्यूमेरिकल में लीनियर करंट डेंसिटी है या नॉर्मल करंट डेंसिटी है? तो अगर तो शीट का क्वेश्चन है, शीट का, फिर तो लीनियर करंट डेंसिटी है, और अगर शीट के अलावा दुनिया भर में कोई भी करंट का क्वेश्चन है, फिर नॉर्मल करंट डेंसिटी है, यानी कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? शीट वाले केस में जे का मतलब करंट अपॉन लेंथ है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका मतलब करंट बाय एरिया है, क्योंकि करंट डेंसिटी का मतलब हमने किया था जे का मतलब करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर करंट अपॉन लेंथ क्यों किया, सिर्फ यही किया, अदरवाइज करंट बाय एरिया ही होती है। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए कई ऑथर क्या करते हैं, कई बुक्स बढ़िया काम करती हैं, वो इसको जे से रिप्रेजेंट ही नहीं करती, वो सिंबल ही चेंज कर देती हैं, इसका सिंबल लैम्डा। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट लैम्डा बाय टू, लेकिन कई बुक्स को फिर जे लिखने की आदत है, तो कई बुक्स में म्यू नॉट जे बाय टू। तो अब कोई जे लेके आ जाए कि सर देखो ये तो करंट बाय एरिया से आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आपको पहली क्लियर कर दूं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में जे का मतलब या लैम्डा का मतलब करंट बाय लेंथ है, वैसे जे करंट बाय एरिया ही होता है, कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला डराइव हो जाएगा यहां तक, ठीक है यहां तक? आगे इसका एक स्पेशल केस है जो नॉर्मली कभी कभी आ भी जाता है आपके इसमें, किसी भी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, जिसमें दो शीट्स हैं, दो इनफाइनाइट शीट्स हैं। ये शीट नंबर वन है जिसमें करंट आउटसाइड आ रहा है, वन नंबर शीट। ये इनफाइनाइट शीट है, शीट नंबर टू, जिसके अंदर करंट इनसाइड जा रहा है। करेक्शन कर सकते हो, मैंने गलती से इसमें भी आउटसाइड कर दिया, इसको क्रॉस 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 करो, ठीक, करेक्शन करो बुकलेट में। तो करेक्शन ये है कि यहां पर डॉट डॉट डॉट, यहां पर क्रॉस 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 करो, यानी कि करंट ऊपर वाली शीट में से तो बाहर आ रहा है, नीचे वाली शीट से इनसाइड जा रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, देखो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सेम क्वेश्चन, सेम मींस मिलता जुलता क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स में किया था। दो इनफाइनाइट शीट्स हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। आप दोनों शीट्स के बीच में ई निकाल लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उनके साइड्स पे निकालो जीरो। याद है फ्लक्स की आखिरी एप्लीकेशन पैरेलल शीट्स, तो उसके ऊपर तो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आता है पैरेलल शीट्स पे, तो ई निकाल के दिखाओ, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फ्लक्स की आखिरी एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट शीट्स पैरेलल शीट्स के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। क्वेश्चन है कि इस रीजन में बी निकाल के दिखाओ। अब बी का फॉर्मूला तो मुझे पता लग गया, म्यू नॉट बाय टू इंटू जे है, तो एक काम करते हैं डायरेक्शन देख लेते हैं। वायर नंबर वन में करंट बाहर आ रहा है और इसमें फिंगर कैसे जाएंगी, लेफ्ट, तो वायर नंबर वन की वजह से यहां पर फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट होगा बी वन, जिसका एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट जे डिवाइडेड बाय टू, वेयर करंट डेंसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, गिवन है क्वेश्चन में सेम है। तो ये चीज क्लियर है, बी वन आ गया, क्लियर है यहां तक? अब इसमें करंट कैसे आ रहा है, इनसाइड, राइट हैंड थंब इनसाइड, चार फिंगर जब यहां से जाएंगी इनसाइड होते हुए तो राइट की तरफ जाएंगी, तो इसकी तरफ से जो फील्ड होगा बी टू वो राइट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड विल बी
सेम, तो नेट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सिमिलरली अगर यहां निकालना है तो इसमें करंट इनसाइड जा रहा है तो फिंगर्स मेरी तरफ आ रही हैं इस तरफ, तो बी टू की वैल्यू मेरी तरफ वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे बाय टू। और अगर करंट इसमें कैसे आ रहा है? आउटसाइड, ये आउटसाइड है, फिंगर्स इसमें भी देखो, अगर ये आउटसाइड है तो ये पॉइंट पे फिंगर इधर गई थी तो नीचे वाले पॉइंट पे फिंगर मेरी तरफ आएंगे, पूरा गोल घूम रहा है ना फिंगर्स को, तो इसमें लेफ्ट जा रही है तो इसमें राइट आ रही है, तो फील्ड मेरी तरफ होगा बी वन, जिसकी वैल्यू अगेन म्यू नॉट जे डिवाइडेड बाई टू, तो जीरो नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है तो इसमें जो थंब है वो इनसाइड, फिंगर मेरी तरफ आ रही है देखो इस तरफ मेरी तरफ, पॉइंट इधर होता तो आउटसाइड मतलब राइट की तरफ, और इधर होता तो मेरी तरफ, तो यहाँ पर बी टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे बाई टू मेरी तरफ, और इसकी वजह से करंट कहाँ पर है? आउटसाइड, ये आउटसाइड है, फिंगर्स यहाँ पे घुमाऊं तो फिंगर्स कैसे आएंगी? क्योंकि आउटसाइड थंब रखते हुए फिंगर मेरी तरफ, यानी कि बी वन मेरी तरफ आएगा म्यू नॉट जे डिवाइडेड बाई टू, और नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में खेल सिर्फ डायरेक्शन का है और कुछ भी नहीं है, वही एक फॉर्मूला घूमता रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी 90 डिग्री पे, तो उन्हीं के वेक्टर सम को करते रहो बस, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू एक ही चलेगी। क्या ये स्टेप क्लियर है? और आखिरी एप्लीकेशन सबको क्लियर कैसे करनी है, कोई डाउट इसमें? तो इस चैप्टर की जो थ्योरी है ये उसका आखिरी पार्ट है, यहीं तक थ्योरी है, राइट? शीट नंबर 58 जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो ये लास्ट टाइम वाली शीट है, नई शीट नहीं है, उसी को ओपन करो, शीट नंबर 58 जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस सर्किटल लॉ कर रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस सर्किटल लॉ में हमने लास्ट टाइम ये कर लिया था क्वेश्चन, राइट? फिर उसके बाद यहां से शुरू करना है एग्जाम्पल ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इनफाइनाइट शीट। देखो 58th ऑब्जेक्ट इस शीट में मैंने एप्लीकेशन नंबर 5 का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। रीजन इसलिए कि कल को जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो बुकलेट को ना टच करना पड़े, तो बार बार फॉर्मूलाज के लिए बुकलेट नहीं खोलने की जरूरत, तो मैंने फॉर्मूलाज ही लिख दिया यहाँ पे। डेरिवेशन नहीं की यहाँ पे, बट वो हमने कर ली, एनसीईआरटी की कैटेगरी में चली गई डेरिवेशन। रिजल्ट को यहाँ लिख दिया, इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई टू इंटू जी होता है, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने ये काम किया हुआ है। फिर इसके ऊपर इसका एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, जो अभी अभी मैंने बोर्ड पे करके दिखाया, सेम एग्जाम्पल है जिसमें डॉट और क्रॉस दो शीट्स हैं, इन शीट के बीच में ऊपर और नीचे बी की वैल्यू कैसे निकलती है मैंने अभी आपको करके दिखाया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर ट्वाइस हो जाती है, सेम प्रॉब्लम है जो यहाँ करके दिखाई। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर राइट बोलने के लिए ये हर जगह पे क्या लगाता है? आई कैप। और लेफ्ट बोलने के लिए क्या लगाता है? माइनस आई कैप। तो आई कैप माइनस आई कैप कैंसल, आंसर जीरो। इसको लिखेगा आई कैप, इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, लेफ्ट और राइट की जगह आई कैप माइनस जे कैप, और इसमें आई कैप और आई कैप दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस आई कैप हो जाएगा। तो मतलब आई कैप जे कैप में भी आई कैप और आई कैप में इस आंसर को लिखा जा सकता है।
ठीक, तो जस्ट ताकि जब कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करोगे तो शीट शीट से ही बाहर बाहर से काम हो जाएगा, मतलब तो बुकलेट में रिजल्ट्स या फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं साथ साथ लिख देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक?